आज हम चर्चा करेंगे अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की तरफ से जारी एक और चिट्ठी की। चिट्ठी पुरानी है लेकिन इसमें भी अग्रेसिव ओबीसी कार्ड छुपा हुआ है। क्या है अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी की मंशा, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई अलग प्लान है, क्या वो एक अलग तैयारी के साथ इस उपचुनाव में जाने वाले हैं, और आखिर में क्या बीजेपी कोई मुस्लिम चेहरा इस बार किसी उपचुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है, ऐसी चर्चा है। कहाँ की चर्चा और क्या है ये पूरी बात, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूँ कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके गठबंधन के बीच ओबीसी को लेकर नई रार सामने आ रही है? क्या सहयोगी दल अब बीजेपी को अग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर सहयोगी दल ओबीसी को लेकर अपनी जमीन बचाने में जुटे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल की दो चीजें अभी तक सामने आ गई चुनाव के बाद। पहला, वो चिट्ठी जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार में से मिलने वाली नौकरियों में ओबीसी के साथ होने वाले आरक्षण में भेदभाव का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने नॉट फाउंड सूटेबल जैसे शब्द उठाए थे। दूसरा, जब उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती पर यह कहा कि 69,000 शिक्षकों का जो मामला है, जो आरक्षण की उसमें विसंगतियां हैं, वो मसला हम हल नहीं कर पाए। लेकिन एक तीसरा मामला भी है और एक तीसरी चिट्ठी भी है। ये कुछ हफ्ते पहले की चिट्ठी है, 14 जून को ये चिट्ठी लिखी गई और ये चिट्ठी आशीष पटेल, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं अपना दल एस के और योगी सरकार में शिक्षा प्राविधिक मंत्री हैं, जिनके अंदर में जिनके मंत्रालय के भीतर तमाम ITI और इस तरीके के संस्थान आते हैं, जितने टेक्निकल संस्थान, और उन्होंने प्रमुख सचिव जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उनको उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम रखने के लिए, नाम महापुरुषों के नाम पर रखने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है कि ऐसा प्रपोजल तैयार किया जाए जिसमें इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाए। तो जो पहला है वो प्रतापगढ़ का है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो प्रस्तावित नामकरण है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। उसी पत्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर है, जिसे सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज का रखने का प्रस्ताव दिया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा है, जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से रखने का प्रस्ताव है। दरअसल ये पत्र अपने प्रमुख सचिव को आशीष पटेल ने लिखा है। आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अनुप्रिया पटेल के पति हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। यूं तो देखने में बड़ा ही सामान्य और सहज सा ये पत्र लगेगा, लेकिन इस पत्र में बहुत कुछ छुपा है। दरअसल जिस तरीके की अग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स और खास करके अनुप्रिया पटेल दोबारा से अपने मूल वोट बैंक की तरफ लौटने की जद्दोजहद कर रही है, ये चिट्ठी उसी को दर्शाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर, ये जो तमाम कॉलेजों के नामकरण की बात है, दरअसल ये इसलिए की गई है ताकि इस सरकार में ये कहा जा सके कि अपना दल एस आज भी अपनी उस मूल पॉलिटिक्स, उस मूल सियासत के साथ जुड़ी है जिस सियासत के जरिए वो पॉलिटिक्स में आई है। जैसा मैंने बताया कि अनुप्रिया पटेल लगातार सरकार को घेर रही हैं, इशारों में घेर रही हैं। एक जगह तो उन्होंने डायरेक्टली घेरा था जब उन्होंने साक्षात्कार में नौकरियों की का मुद्दा उठाया था, साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में ओबीसी के साथ हो रहे, दलित और जनजातियों के साथ हो रहे
भेदभाव को उठाया था। हालांकि सरकार ने उसका बिंदुवार जवाब दिया और ये कहा कि ये गलत आरोप है, लेकिन उसके बाद भी अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की बात की और उसी बात में उन्होंने जिस तरीके से राजा भैया को लेकर के इशारों इशारों में वही बात कह दी कि राजा किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होता, राजा अब इस लोकतंत्र में ईवीएम से पैदा होता है, और उसके बाद ये चिट्ठी जो आशीष पटेल ने सरकार को भेजी है उसमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के नामकरण करने का जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है, ये इस ओर दिखाता है कि असहज हो रही अनुप्रिया पटेल, उनकी पार्टी, उनके मंत्री अब इस सरकार में अपनी भूमिका बड़ी चाहते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ इस सरकार को ले जाना चाहते हैं, और तो और अपनी पार्टी का जो मूल एजेंडा है ओबीसी, दलित और शेड्यूल ट्राइब्स, इसके तरफ ले जाना चाहते हैं। उसकी वजह भी है, इस बार बहुत बुरे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ी है अपना दल एस, 2 में से 1 सीट हार गई, शेड्यूल ट्राइब्स की सीट अपना दल एस हार गई, और अनुप्रिया पटेल खुद बड़ी मुश्किल से जीत पाई हैं, और जिस तरीके से उनका वोट बैंक शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ, अब उनके पास अपने वोट बैंक को वापस लाने और ख़ास करके कुर्मी बिरादरी के लिए खुलकर बात करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए अब चाहे अपनी सरकार हो, चाहे अपना गठबंधन हो, अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी अब खुलकर अपनी बात कह रही है, कर रही है। अब देखना है कि इसका असर कहां तक जाता है। अगली खबर, उधर अब 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, हालांकि अभी तारीख आने में वक्त है, लेकिन इन उपचुनावों की चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये 10 उपचुनाव बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जिस बुरे दौर से बीजेपी गुजर रही है, क्या लोगों का मूड अभी भी वही है या फिर वो एक अपवाद था जब लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। इसलिए ये 10 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं, और इन 10 सीटों में 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें से विधायक इस बार चुन करके आए हैं, सांसद बन गए और उनकी सीटें खाली हुई, और एक सीसामऊ की जो सीट है वहाँ से इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से उस सीट पर चुनाव हो रहा है। तो इन 10 सीटों में बीजेपी और उसका गठबंधन अपनी ताकत लगाएगा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने कुछ अलग कर दिया है। अभी तक चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन और पार्टी के लिए छोड़ रखा था, संगठन और पार्टी के आदेश को शिरोधार्य करके वो चुनाव प्रचार करते थे और उसकी हर बात को मानकर पार्टी और सरकार को लेकर के चुनाव में चलते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में नहीं है जैसा वो 2014 के बाद से थी, और इस बार जिस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और खास करके मुख्यमंत्री को किनारे करते हुए पूरा चुनाव लड़ा गया, सिवाय उनके कैंपेन के बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तवज्जो नहीं दी गई और इसका असर भी, इम्पैक्ट भी चुनाव पर दिखा, उसके बाद तो इस बार मुख्यमंत्री ने मानो ये मन बना लिया है कि अब वो सरकार और संगठन दोनों जगह अपनी धमक दिखा कर रहे हैं, और जिस तरीके से इस वक्त वो शासन चला रहे हैं इस चुनाव के नतीजों के बाद, ये दिख रहा है कि उन्होंने लगभग ये तय कर दिया है कि अब सरकार वो अपनी मर्जी से ही चलाएंगे, किसी का हस्तक्षेप वो नहीं मानेंगे। ये तो सरकार में दिखने लगा है क्योंकि उन्होंने अपनी हनक दिखानी शुरू कर दी। तो ये तो सरकार की बात थी, लेकिन क्या पार्टी और चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हनक दिखाने को तैयार हैं? एक इशारा मिल रहा है, और वो इशारा ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में 3-4 दिन पहले कुछ चुनिंदा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, और इसमें 15 मंत्री उन्होंने बुलाए। इस बात की भनक न तो उत्तर प्रदेश में उनके बाद के जो बड़े नेता हैं या फिर पार्टी का जो संगठन है उनके बड़े नेताओं को नहीं थी।
जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं वो मंत्रियों को बुला सकते हैं, उन्हें काम सौंप सकते हैं, तो उन्होंने 15 मंत्रियों को बुलाया और इन 10 विधानसभा सीटों के लिए इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी। यानी कि ये 15 मंत्री एक तरीके से इस चुनाव के प्रभारी मंत्री बना दिए गए और उनसे एक एक विधानसभा की रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताएं कि इस चुनाव में कौन सा कैंडिडेट होगा, किस कैंडिडेट पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है, वहाँ पर नाराजगी की स्थिति क्या है, लोगों में इस चुनाव को लेकर के क्या सोच है, क्या उत्सुकता है, किसे यहाँ से चुनाव में लड़ाने के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। अब सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ना कि संगठन को। और ये वो मंत्री हैं जो बताएंगे कि इन दस सीटों में किन किन सीटों पर कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है। तो ये ऐसा पहली बार है जब संगठन के पैरेलल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव की तैयारी पार्टी की तरफ से कर दी है। क्या इसके लिए उन्हें शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया या फिर उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को प्रभारी बना करके उनसे फीडबैक ले रहे हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री इस बार, चाहे सरकार हो या संगठन, हर जगह कम से कम अपनी छाप छोड़ के रखना चाहते हैं। वो उस तरीके का मुख्यमंत्री नहीं दिखना चाहते कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन चला रहे हैं। इस बार प्रशासन के साथ साथ पार्टी में भी अपनी धमक, अपनी हनक बनाए रखना चाहते हैं और पार्टी, खास करके बीजेपी, इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें फिलहाल चैलेंज कर सके। अब देखना यह है कि इस हार के बाद जब मंथन होता है, जब समीक्षा की रिपोर्ट आती है और जब हर चीज़ तराजू पर तोल कर पूछा जाता है, तब किस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सरकार और पार्टी में कंट्रोल में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। अब अगली खबर। और आखिर में एक ऐसी चर्चा जो लोगों के गले नहीं उतर रही, लेकिन ये चर्चा हो रही है। दरअसल ये चर्चा है कि क्या बीजेपी कुनरकी सीट जो है, जो कि संबल पार्लियामेंट की है, जहां से जियाउर रहमान विधायक थे और जो मुरादाबाद जिले की एक विधानसभा सीट है, क्या बीजेपी वहां इस बार कोई प्रयोग करने जा रही है। दरअसल कुनरकी ऐसी सीट है जहां पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और बीजेपी को लगता है कि अगर यहां पर पूरी हिंदू आबादी उन्हें वोट कर भी दे तो भी ये बीजेपी की सीट निकलने वाली है नहीं। और जिस तरीके का मुस्लिम वोटर्स का एकजुट रहना और एकजुट वोट करना इस चुनाव ने बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि अगर एकजुट होकर मुसलमानों ने अपने क्षेत्रों में वोट कर दिया तो फिर वो बीजेपी नहीं जीत सकती। इस बार चर्चा इस बात की चल रही है कि बीजेपी वहाँ प्रयोग कर सकती है और प्रयोग बीजेपी वहाँ किसी मुस्लिम चेहरे को लड़ा सकती है, ये चर्चा इस वक्त चल रही है। कम से कम इसे कंफर्म तो नहीं कर रहा है, हालांकि बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाल के सालों में, यानी कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को नहीं लड़ाया है, देश भर में नहीं लड़ाया है, लेकिन एकाध अपवाद हैं, बंगाल में उन्होंने लड़ाया, इस बार केरल में उन्होंने लड़ाया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस उपचुनाव में कोई प्रयोग करने जा रही है? चर्चा ये है कि बीजेपी अपने संगठन से, यानी कि अपने उनका जो अपना संगठन है उससे किसी चेहरे को चुनाव लड़ा सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर नहीं लड़ाती है और वहाँ का मुसलमान एक बार फिर एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देता है तो चाहे जिसे बीजेपी चुनाव लड़ा ले उसके लिए जीतना असंभव है। वहाँ कमल प्रजापति पिछली बार लड़े थे जो 88,000 वोट लेकर आए थे, लगभग 80 से ज़्यादा, तो एक नाम उनका पार्टी की तरफ से यूँ तो बना है। लेकिन ये चर्चा इस बार खूब है कि क्या ये प्रयोग किया जा सकता है। कई नाम चल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो वो मुरादाबाद मंडल है और वहाँ पर बीजेपी की तरफ से पहले भी मुस्लिम चेहरे चुनाव पार्लियामेंट को लेकर के लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए है
कि बीजेपी इस प्रयोग को शायद कर सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पार्टी की तरफ से भी नहीं, संगठन की तरफ से भी नहीं, लेकिन चूंकि ये चर्चा है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।